हिंदू धर्म में हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार चैत्र माह में विनायक चतुर्थी 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है। कहा जाता है कि गजानन की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। पटना के मशहूर ज्योतिषविद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने बताया कि विनायक चतुर्थी के दिन मोदक और दुर्वा का भोग लगाना ना भूले, साथ ही गणेश मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। देखिए, विनायक चतुर्थी जो है वह मतलब चतुर्थी मैंने चौथे दिन मनाई जाती है पक्ष में, मतलब यह शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाएगी। आपको बता दें कि चौथा दिन जो है वो माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का भी है और यह चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। अगर हम बात करें तो इस दिन चतुर्थी जो है वह 11 तारीख को ही शाम में 6:06 से शुरू हो गई है और दूसरे दिन मतलब 12 तारीख को 4:49 तक चतुर्थी तिथि है। इसलिए 12 तारीख को ही यह मान्य होगा श्री गणेश चतुर्थी जो विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी की पूजा पाठ आराधना से मोदक चढ़ा के दुर्वा चढ़ा के गणेश स्तोत्र का पाठ करके गणेश जी की पूजा करके आप गणपति बप्पा का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पटना से लोकल एटिंग के लिए सजदानंद की रिपोर्ट।